Hello, myself Dr. Rekha Gangbar. My topic is Chordata. Phylum Chordata, जिसमें हम सभी लोग include होते हैं. Phylum Chordata, जिसमें notochord present होती है. Phylum Chordata के characters, जो Phylum Chordata को represent करते हैं. Chorda मतलब rod, ata मतलब bearing, rod bearing animals. जिन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं. फाइलम कॉर्डेटा एक हेट्रोजीनस ग्रुप है जिसमें कई डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं. फाइलम कॉर्डेटा के तीन बेसिक करेक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोपॉड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरेंजियल क्लेफ्स. सबसे पहले बात करते हैं नोटोपॉड की. सभी कॉर्डेट्स में एक सॉलिड अनसेगमेंटेड और फ्लेक्सिबल रॉड होती है जिसे नोटोपॉड कहते हैं. ये मिड डॉर्सली इमीडिएटली अबव द एलिमेंट्री कैनाल होती है और बिलो द डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है. नोटोपॉड एक प्रिमिटिव इंटरनल स्केलेटन की तरह वर्क करती है और बॉडी और मसल्स को सपोर्ट करती है. इसी नोटोपॉड के सपोर्ट के कारण बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है और हम मूवमेंट करते हैं. सेकेंड इज डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम ऑफ ए कॉर्डेट्स इज इन द फॉर्म होलो ट्यूब विच इज सिचुएटेड मिड डॉर्सली अबव द नोटोकॉर्ड एंड बिलो द बॉडी वॉल. इट डेवलप्स बाय ए प्रोसेस ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ द एक्टोडर्म इन द मिड डॉर्सल लाइन सो दैट अ मेडुलरी ग्रूव इज फॉर्म. एंड थर्ड इज फेरेंजियल क्लेफ्स. द ब्रेंचियल क्लेफ्स आर फाउंड यूनिवर्सली इन ऑल कॉर्डेट्स एट सम स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स. दीज प्रेजेंट एज पेयर सीरीज ऑफ परफोरेशन इन द लेटरल वॉल ऑफ फेरेंग्स एंड लीड टू द एक्सटीरियर. ये तीनों बेसिक करेक्टर्स जो फाइलम कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. फाइलम कॉर्डेटा को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्रिनेटा और क्रिनेटा. ए मीन्स नहीं. इन ग्रुप के एनिमल्स में ब्रेन बॉक्स अक्रीनियम अब्सेंट होती है. नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती है. इस एक्रिनेटा को दो सब फाइलम में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है. सेकंड क्रिनेटा, जिसमें क्रीनियम बॉक्स प्रेजेंट होता है और इनको वर्टिब्रेटा भी कहते हैं. नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस होती है. क्रिनेटा और वर्टिब्रेटा को दो सब फाइलम डिविजन्स में डिवाइड किया गया, एगनेथा और गनेथोस्टोमेटा. आ मीन्स नहीं. गनेथा मतलब जॉ. जिन एनिमल्स में जबड़े नहीं पाए जाते हैं उस ग्रुप को रखा गया एगनेथा में. ये दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमा. सेकेंड इज गनेथोस्टोमाटा, जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं. इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, पाइसिस एंड टेट्रापोडा. पाइसिस में सारी फिशेस इंक्लूड होती हैं. इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. और टेट्रापोडा में कई क्लासेस हैं, जो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मेमेलिया. एम्फीबिया में वो एनिमल आते हैं जो अर्थ और पानी दोनों में रह सकते हैं. रेप्टाइल जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं. एवीज बर्ड्स जो उड़ती हैं. मेमेलिया जिसमें हम इंक्लूड होते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं. ये चारों क्लासेस ग्रुप टेट्रापोडा में होते हैं जिनमें चार पैर पाए जाते हैं. इस तरह से ये फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है, जिन पे एनिमल्स की करेक्टर्स के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है. फाइलम कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए फॉलोइंग करेक्टर्स हैं. जैसा कि नाम से ही है, नॉन कॉर्डेट्स. नॉन मतलब नहीं. वो एनिमल्स जिनमें कॉर्ड नहीं पाई जाती है.
और वो एनिमल्स जिसमें कॉर्ड पाई जाती है कॉर्डेट्स में आते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में एक दूसरे से। कॉर्डेट्स में पर्टिकुलर कॉलम प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में पर्टिकुलर कॉलम अब्सेंट होती है। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो और डॉर्सल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड और बेंट्रल होता है। कॉर्डेट का हार्ट बेंट्रल होता है लेकिन नॉन कॉर्डेट का हार्ट डॉर्सल होता है। कॉर्डेट्स के ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट का हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स जिनमें रेंगने वाले एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, बर्ड्स उड़ने वाले एनिमल्स, मैमल्स जिनमें हम सभी इंक्लूड हैं। नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। प्रोटोजोआ में प्रिमिटिव एनिमल्स जो सबसे पहले पाए जाते थे, आर्थो मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब पैर, वो एनिमल जिनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड होते हैं। फाइलम एनिलिडा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें की बॉडी में रिंग्स पाए जाते हैं, एनी मतलब रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर। तो फाइलम प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा नॉन कॉर्डेट्स हैं क्योंकि इनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ये बेसिक करेक्टर्स जो डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं आपस में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। इस तरह से हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।